दिल्ली की शराब नीति घोटाले के मामले में ईडी ने बड़ा एक्शन लिया है। ईडी ने लंबी पूछताछ के बाद संजय सिंह को अरेस्ट कर लिया है। ईडी ने शराब नीति घोटाले में बुधवार को आपके राज्यसभा सांसद संजय सिंह के घर छापेमारी की थी। ईडी शराब नीति घोटाले में मनी लॉन्ड्रिंग की जांच कर रही है। ईडी ने पिछले दिनों इस मामले में चार्जशीट दाखिल की थी, इसमें संजय सिंह का नाम भी शामिल था। ईडी के एक्शन के बाद सीएम अरविंद केजरीवाल ने कहा कि संजय सिंह की गिरफ्तारी बिल्कुल गैर कानूनी है, ये मोदी जी की बौखलाहट दर्शाता है। चुनाव तक ये कई और विपक्षी नेताओं को गिरफ्तार करेंगे। वहीं आम आदमी पार्टी कल भाजपा दफ्तर पर 11 बजे प्रदर्शन करेगी। जानकारी के मुताबिक संजय सिंह से ईडी ने करीब 10 घंटे तक लंबी पूछताछ की थी। फिलहाल संजय सिंह अपने घर पर ही मौजूद है। पूछताछ के बाद ईडी ने संजय सिंह को अरेस्ट कर लिया। इसके बाद पैरामिलिट्री फोर्स की मौजूदगी बढ़ा दी गई। अब ईडी के अधिकारी संजय सिंह को लेकर जाएंगे। वहीं आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं का भी संजय सिंह के घर के बाहर एकत्र होना शुरू हो गया। शाम करीब 6 बजे संजय सिंह घर से बाहर निकले। उन्होंने अपने समर्थकों का अभिवंदन किया। इसके बाद उन्हें गाड़ी में बैठाकर ईडी के हेडक्वार्टर में ले जाया गया। जब संजय सिंह को ईडी की टीम अपने साथ लेकर जा रही थी, तब आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं की पुलिस के साथ हल्की झड़प भी हुई। वहीं ईडी हेडक्वार्टर पर नोटिस चस्पा किया गया कि अगर कोई कार्यकर्ता यहां प्रदर्शन करता है तो उसे हिरासत में लिया जाएगा। ईडी के दफ्तर पर दिल्ली पुलिस और पैरामिलिट्री के जवान अलर्ट हो गए हैं। साथ ही यहां बैरिकेडिंग कर दी गई है। करीब 7:15 बजे ईडी की टीम संजय सिंह को ईडी के दफ्तर लेकर पहुंची। वहीं आपको बता दें कि कैसे बड़ी संजय सिंह की मुश्किलें। संजय सिंह के यहाँ ये छापेमारी ऐसे वक्त पर हुई जब एक दिन पहले ही दिल्ली की एक कोर्ट ने आबकारी नीति घोटाले में मनी लॉन्ड्रिंग केस में वीएसआर सांसद श्रीनिवासुलु रेड्डी के बेटे राघव मुंगटा और बिजनेसमैन दिनेश अरोड़ा को सरकारी गवाह बनने की अनुमति दी थी। आपको बता दें, आरोपी दिनेश अरोड़ा को केस में मुख्य कड़ी माना जा रहा है। ईडी अपनी चार्जशीट में आरोप लगाया था कि दिनेश अरोड़ा ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से उनके आवास में मुलाकात की थी। इस बैठक में संजय सिंह भी मौजूद थे। दिनेश अरोड़ा ने पूछताछ के दौरान बताया कि सबसे पहले एक कार्यक्रम में संजय सिंह से मिला था, इसके बाद वह मनीष सिसोदिया के संपर्क में आए। सूत्रों का कहना है कि दिल्ली चुनाव से पहले आप नेता द्वारा आयोजित एक फंड जुटाने का कार्यक्रम रखा गया था।